हेलो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसी बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके लंबे लंबे प्रश्नों को चुटकियों में हल करने में मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 47 - 19/26, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 46 - 7/26 हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को समझने के लिए यदि आप ट्रेडिशनल मेथड पर जाते हो तो आपको ये इतना लंबा करना पड़ेगा। देखिए कैसे, 47 - 19/26 में हम लघुत्तम लेंगे, पहले 47 के नीचे एक मान लेंगे, एक और 26 नीचे हो गया तो लघुत्तम 26 हो गया, फिर 26 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 19, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 19 को घटाएंगे 1203, और 1203 में जब हम 26 का भाग यहाँ पर मैंने दे रखा है तो कितना आएगा, 46 - 7/26। अब इसको हमने चुटकियों में देखते ही ला दिए थे आंसर 46 - 7/26। अब आप इसको समझ लीजिए कि मैंने किया कैसे था। यहाँ पर 47 है, इसको मैं लिख दूंगा 46 + 1। 47 को 46 + 1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। माइनस में कितना है, 19/26। अब इस चीज़ को एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 46 प्लस, अब इसको हम सोल्व करेंगे 1 - 19/26 को, तो 26 एकम 26, 26 में से 19 गया तो 7/26। अब इसका जो आंसर निकल के आया इनको टोटल करने पर 46 - 7/26। अब इसको और सॉर्ट करके बता रहा हूँ, देखो कैसे। यहाँ पर जो भी संख्या हो ना उससे एक कम करके लिख देंगे, यानी यहाँ 47 है तो 46 लिख देंगे, और इन दोनों अंकों का अंतर देखेंगे कितना है अंतर, 19 और 26 का अंतर कितना है, 7, वो ऊपर लिख देंगे, और नीचे जो भी संख्या है ना वो एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन ध्यान रहे ये माइनस की कंडीशन में होगा। अब मैंने सेम क्वेश्चन वहाँ पर ले लिया, चिन्ह बदल दिया, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं जाना कि भाई लघुत्तम 26 ले लेना है, वो नहीं करना है, चुटकियों में आंसर बताओ। अच्छा, दिमाग थोड़ा सोच में पड़ गया तो देखिए, अगर इसको मैं छोटा कर लूं, यानी 2 + 1/2 मैंने लिखा होता तो आप इसका आंसर क्या देते, आप यहाँ भी लघुत्तम लेते क्या, नहीं लेते ना। 2 और आधा कितना हो गया भाई, 2.5 हो गया, 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हमने सीख लिया कि 2 + 1/2 के बीच में जो प्लस है ना इसको गायब करके मिला के लिख दिया, 2.5 लिख दिया, तो ऐसे ही ये चिन्ह यानी प्लस भी गायब हो जाएगा, तो इसका आंसर अब कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ये बड़े बड़े जब प्रश्न आते हैं तो ये स्टेप पे आपकी सॉल्यूशन को फास्ट बनाने में मदद करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई बेस्ट ट्रिक लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।